गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। हिंदी के प्रश्न उत्तर करने के बाद में हम भाषा ज्ञान करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, बच्चों निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द के कई मतलब जो निकलते हैं उनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ जंगल, जंगल को हम वन बोल सकते हैं, कानन बोल सकते हैं और अरण्य बोल सकते हैं। तो जंगल के तीन पर्यायवाची शब्द हैं वन, कानन, अरण्य। मित्र को हम दोस्त भी बोल सकते हैं, सखा भी बोल सकते हैं, साथी भी बोल सकते हैं। दिन को हम दिवस, वार या फिर दिवा बोल सकते हैं। घर को हम ग्रह, सदन और धाम बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको ये पर्यायवाची शब्द इसी प्रकार से आपको अपनी हिंदी की बुक में फिल करना है। पेज नंबर 16 दिया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, यहाँ पे पाठ में से कुछ संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द छांट कर लिखे हैं। यहाँ पे जैसे जंगल हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी, खरगोश, वृक्ष, कुत्ता, ईश्वर, झाड़ी, मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे छांट के लिख दिया है। अगर आपको इनके अलावा और भी कोई संज्ञा शब्द मिलते हैं तो आप अपने तरीके से आप यहाँ पे संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चों? नाम वाले सभी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। नाम वाले जितने भी शब्द हैं बच्चों वो सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो पाठ के अंदर कई नाम दिए गए हैं, जैसे ये घास हो गई, घास को भी एक नाम दिया गया है। तो उसको नाम वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो इन सब का नाम दिया गया ना, जंगल हो गया, गाय, घोड़ा, बकरी, खरगोश, वृक्ष, कुत्ता, ईश्वर, झाड़ी, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो इसी प्रकार से हमें ये आपको हिंदी की जो बुक है उसमें फिल करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित पशुओं की बोलियां लिखिए। यहाँ पर कुछ कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं, घोड़ा, गाय, बकरी, कुत्ता, शेर, हाथी, बंदर, बिल्ली। तो बच्चों हमें इनकी क्या लिखनी है? जो ये आवाज निकालते हैं ना उसको हमें यहाँ पे राइट करना है। घोड़ा कैसी आवाज निकालता है? घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है, तो हमें क्या लिखना है? हिन हिनाना। गाय कैसे आवाज निकालती है? वो रंभाती है, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है? रंभाना। बकरी मिमियाती है, तो हमें यहाँ राइट करना है? मिमियाना। कुत्ता भौंकता है, तो हमें यहाँ राइट करना है? भौंकना। उसके बाद में शेर जो है, शेर क्या करता है? दहाड़ता, तो हमें यहाँ पे राइट करना है? दहाड़ना। हाथी चिंघाड़ता है, तो हमें राइट करना है? चिंघाड़ना। बंदर करता है ना खी खी, तो हमें करना है यहाँ पे खी खी। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं, तो हमें यहाँ क्या राइट करना है? म्याऊं। तो आप इसी प्रकार से ये आप हिंदी की बुक में राइट करना है भाषा ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और आगे का जो है ये क्रियाकलाप, वो बच्चों आपको जैसे लिखा हुआ, विद्यालय से लौटते समय किसी कारणवश आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये बच्चों आपको स्वयं करना है कि अगर आपको कोई स्कूल से लौटते वक्त आपके किसी भी मित्र के या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? उसके घर वालों से कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? उसको कहीं हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा करेंगे या नहीं करेंगे? उसी प्रकार से आपको 2-3 लाइनें यहाँ पे राइट करनी है। और ये जो पिक्चर दी गई है यहाँ पे हॉर्स की, इस हॉर्स की पिक्चर में आपको कलर करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 के अंदर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म वाली एक्सरसाइज है वो की थी। जैसे एक्सपेंडेड का मतलब होता है डिजिट्स को खोल के लिखना। आज हम करने जा रहे हैं राइट द शॉर्ट फॉर्म फोर ऑफ द फॉलोइंग। इसका बच्चों हमें क्या करना है? शॉर्ट बनाना है। यहाँ तो हमने खोल के लिखे थे डिजिट्स को, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको शॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 700, 6 tens, 5 tens। तो बच्चों हम इस 7 को क्या बोल रहे हैं? 700। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है? 700। 6 को क्या बोल रहे हैं? 60। तो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है 60। 5 को हम 5 बोल रहे हैं, तो ये हो गया 765। सेम इसी को ऐसे करना है 400। 4 को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 400। तो हमने यहाँ राइट कर दिया 400। 6 को क्या बोल रहे हैं हम? 60। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 60। 7 को हम क्या बोल रहे हैं? 7। तो ये क्या हो गया? 400
सेवन। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये भी आपकी बुक में करना है, मैथ की बुक में पेज नंबर दिया गया है यहाँ पे 11, पेज नंबर 11 है, और आपको इसी प्रकार से ये बुक में करना है बच्चों। आज बच्चों आपको कर्सिव बुक में आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि पीछे के 2 पेजेस आपको मैंने पहले डाला था। आज आपको पेज नंबर 4 जो है वो आपको पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 आपको कर्सिव बुक में राइट करना है, और सेम ऐसे हैंड राइटिंग में ही आपको राइट करना है, अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में राइट करना है, साथ में इनको बोल बोल के लिखना है बच्चों, स्पीक एंड राइट करना है आपको, बिना बोले आप कोई भी वर्ड मत कीजिए, क्योंकि आप जितना बोल के वर्क करोगे उतना ही आपको लर्न होएगा। तो आपको ये कर्सिव हैंड राइटिंग में पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 करना है।